जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा एक बार फिर आपको लेकर चल रहा हूं। नेशनल हाईवे जो बड़सर से लठियाणी की तरफ चलता है और मैं लगभग लठियाणी से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले यहां पर खड़ा हूं। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं लैंड स्लाइडिंग के एक ऐसे इशू पर जिसको नेशनल हाईवे के ऊपर पड़े हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं और अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं आपको जैसे बताना चाहता हूं कि ये जो नेशनल हाईवे के ऊपर स्लाइडिंग हुआ है इसकी वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो होने का बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि देखिए जो गाड़ी यहां से जा रही है ये मोड़ है और अभी मैं आपके बीच में एक वीडियो दिखा रहा हूं जो आप देख रहे हैं किस तरह से एक गाड़ी उधर से अचानक आई और एक गाड़ी इधर से आई, वो दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची है। और ऐसे में जीवन उत्साह न्यूज द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब जरा सी बारिश होते ही आपके जेसीबी जो है वो चींटियों की तरह निकल जाते हैं मार्केट में और टाइम पास करते हुए जाते हैं, लेकिन यहां पर इतना बड़ा स्लाइड हुआ है आपके सामने की बात है। यहां पर इस स्लाइड की वजह से कोई हादसा हो सकता है, पूरा रोड यहां कवर हो गया जैसे आप ये देख रहे हैं। आप पिछले 5 दिनों से कौन सी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण की जो आप नहीं जाग रहे हैं? आखिर क्यों आप इस लैंडस्लाइड को जो हुआ है उसको यहां से नहीं हटा रहे हैं? उसका कारण क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये जिम्मेवारी बनता है कि रोडों के जो रखरखाव हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एसडी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो, व्हाटएवर कोई भी अधिकारी हो, उनको इस बात को जरूर देखना पड़ेगा कि बरसातों का समय है, ये स्लाइडिंग जो हो रहा है इस स्लाइडिंग की वजह से जो यहां पर नुकसान हो रहा है ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में जब आप इसको नहीं हटाएंगे तो जो गाड़ियां यहां पर आती हैं, मान लीजिए यहां से मोड़ से कोई गाड़ी अचानक आती है, यहां तक कोई हादसा अगर हो जाता है, कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आपको जैसे अभी दिखा रहा हूं ये पूरा मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इस तरह की सिचुएशन आती है, गाड़ियां इधर से जा रही होती हैं, उस तरह से देखिए ये सिचुएशन है, ये मैं लाइव आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं। इस तरह की सिचुएशन यहां पर आ रही है, ये तो दो छोटी गाड़ियां आई हैं, यहां पर बड़ी गाड़ी आकर भी कोई एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से ये स्लाइड होने के बावजूद भी इसको क्लियर नहीं कर पाई है, तो इसका अर्थ क्या समझें? जीवन उत्साह न्यूज इस बात को लेकर लगातार प्रश्न उठाता रहा है कि विभागों की जो कार्यशैलियां हैं, विभागों की जो जिम्मेवारियां हैं, उन सभी जिम्मेवारियों को ये लोग निभाने में पूर्ण रूप से नाकामयाब हो जाते हैं। व्यर्थ अगर कहीं पैसा लगाना हो उसके लिए इनके जेसीबी आ जाते हैं, व्यर्थ नालियों को साफ करना हो इनके पास जेसीबी आ जाते हैं, लेकिन जहां जरूरत है वहां पर इनके पास कोई भी इंतजाम नहीं है। मैं आपको देखिए अब लाइव दिखाऊंगा, ये लाइव चीज मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां से देखिए गाड़ी आई और यहां से ये गाड़ी आई, देखिए कितना अनबैलेंस होना पड़ा, लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी मैं अगर यहां खड़ा रहूंगा थोड़ी देर, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी वहां रहेंगे, मैं आपको 2-3 गाड़ियां लगातार दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो ट्रैफिक यहां चलता रहता है, ये तो नेशनल हाईवे हजारों गाड़ियां यहां पर जाती हैं। देखिए मैं अब आपको एक लाइव चीज दिखाऊंगा, वैसे यहां पर कोई ना कोई गाड़ी आएगी, मैं आपके बीच में लाइव चीज दिखाऊंगा किस तरह से यहां पर गाड़ियों का टकराव हो जाता है। जैसे ये गाड़ी वाले ड्राइवर आ रहे हैं, पूरा हॉर्न बजाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसके इधर से गाड़ी आ जाती है, जैसे देखिए सिचुएशन आ रही है, यहां से गाड़ी आ रही है और यहां से भी गाड़ी आ रही है, तो ऐसे में अगर ये गाड़ी यहां मिलती तो यहां पर जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। मेरा मुद्दा इसको दिखाने का जो है वो ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में अगर रखे, या जो भी डिपार्टमेंट अगर इन बातों को ध्यान में रखे तो दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। तो यहां पर इस तरह के जो स्लाइडिंग आगे भी हुए हैं उन स्लाइडिंग को तुरंत हटाने का प्रयास किया जाए ताकि यहां पर किसी व्यक्ति की जान ना जाए, कोई हादसा ना हो और नेशनल हाईवे अथॉरिटी या जो भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उनके ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह रहते हैं उनको भी हटाया जा सके। आप खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं इस खबर को आपके बीच में रखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि देखिए मुद्दा भले छोटा हो लेकिन कोई गंभीर परिणाम दे सकता है, दुर्घटनाओं को परिणाम दे सकता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको लेकर इस न्यूज को शेयर करें ताकि अधिकारियों तक, प्रशासन तक इस बात को पहुंचाया जा सके और कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स की लापरवाही है उन पर भी रोक लगाई जा सके। जेईस जो है कंसर्न उनको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए ताकि उनकी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को कहीं ना कहीं गुणवत्ता प्रदान की जा सके। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।